देखिए, पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं जिसमें क्रीमलेयर कंसेप्ट का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकृत करके उसमें सरकार को नोटिस जारी करना, ये बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है कि जब एस सी एस टी में क्रीमलेयर का कंसेप्ट लागू हो ही नहीं सकता, जब एस सी एस टी का रिजर्वेशन ही आर्थिक आधार पर ना होकर के वो सामाजिक विषमता के आधार पर है, तो ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लिया उस पर सरकार नोटिस जारी करती है तो ये तो पूरे एस सी एस टी समाज का आरक्षण तो पहले ही समाप्त हो गया था, सरकारी क्षेत्र समाप्त हो गया था और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का कोई मतलब नहीं बचा है। सरकार में जो लोग नौकरी में थे वो वी आर एस सी आर एस देकर बाहर हो गए हैं और संख्या अब ना के बराबर बची है, आने वाले 10 साल में संख्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में और एक बार क्रिमिनल कंसेप्ट की बात करना और भारत के संविधान को भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा आनंद हेगड़े साहब के द्वारा कानून को आरक्षण उसको संविधान को बदलने की बात करना, ये निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात थी। उम्मीद थी कि भारत के प्रधानमंत्री इसमें संज्ञान लेंगे और माननीय मंत्री जी के खिलाफ एक्शन करके उनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा ऐसा मानना है कि समाज को अब जागना पड़ेगा, समाज को अब खड़ा होना पड़ेगा, समाज को अपने हकों की आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसी दृष्टि से आज का एक सांकेतिक प्रदर्शन था जिसमें देश और दुनिया के कोने कोने से आपने देखा कि उलेमा हिंद ने भी इसमें समर्थन दिया है, सिख समुदाय ने भी इसमें समर्थन दिया है, इसके अलावा दुनिया के कोने, न्यूयॉर्क से, अमेरिका से, कनाडा से भी लोग आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो ये आंदोलन आज राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि साहब इस देश के ये जो गरीब लोग हैं जिनको एस सी एस टी के नाम से जाना जाता है, ये लोग इस देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इनके विकास की बात करिए, इन्हें आगे बढ़ाने की बात करिए, इनका पेट काटने की बात मत करिए। केपी चौधरी साहब, आपने जब जब समाज में इस तरीके के अत्याचार होते हैं, चाहे ऊना का हो, चाहे सहारनपुर का हो या कहीं का भी, आपने बहुत तादाद के अंदर लिखित में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति को भी, ऐसी आयोग को भी काफ़ी मोटी मोटी शिकायत पत्र दिए, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार का संज्ञान लिया गया या नहीं लिया गया? नहीं, मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो घटना हुई है कोरेगांव वाली, उसमें हमने उन सभी पत्रों का जिक्र किया है जो लंदन की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुए, उनकी भी कापी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब को दी गई। उससे पहले जो हमारा ऊना कांड हुआ उसमें भी एक रिपोर्ट हमने, विस्तृत रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। इससे पहले सहारनपुर में जो घटना है उसमें भी एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को दी। उसके बाद में ये जो कोरेगांव का घटना हुआ, इसके बाद हमने सभी पत्रों को एक साथ संलग्न करते हुए प्रधानमंत्री से कहा कि हमने ये पत्र आपको दिए हैं, इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई से हमको अवगत नहीं कराया गया है, कृपया करके इन पर जो कार्रवाई इन पर हुई है पत्रों पर उनको आप हमें अवगत कराएं और आने वाले दिनों में अन्याय को रोकने की दिशा में पहल करें। सर, हमने मंच से सुना है कि आप मंच से आवाज़ कई बार अभी सुनी है हमने आज भी, कि वोट की ताकत हमारी अपनी ताकत है, लेकिन ईवीएम तो विपक्ष जो भी सरकार है मौजूदा उनके हाथ में ईवीएम, तो कैसे हम वोट की ताकत को अपने हाथ में ले सकते? आज आंदोलन की एक आगाज शुरुआत है जी। आज ये मान के चलिए कि आज बाला साहब अम्बेडकर जी ने कहा है जी कि वो कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में रामला मैदान के अंदर भी समाज के, देश के लोगों को बुलाएंगे और अगला आंदोलन की दिशा वो तय करेंगे। अभी देश के कोने कोने में वो जा रहे हैं, है ना, दिल्ली में, क्योंकि हम लोग यहाँ काम करते हैं, उन्होंने हमारी कुछ जिम्मेदारी लगाई थी तो हमने उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की, है ना, और वो नतीजा जो है वो आप लोगों के सामने है कि आज पूरा पार्लियामेंट स्ट्रीट नीली टोपियों से और नीले झंडों से पटा हुआ था और ऐसा आंदोलन भारत के इतिहास में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर शायद पहली बार वो इतना बड़ा सख्त सफल कार्यक्रम बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो आने वाले समय में जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी नीति होगी वो तय की जाएगी बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी के द्वारा और पूरा समाज ने उनको आज नेता स्वीकार किया है क्योंकि वो हमारे मसीह बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र हैं और उनके नेतृत्व में पूरा दलित समाज आज इकट्ठा हो रहा है। ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में एक शुभ संकेत है। सर चौधरी साहब, सब कहते हैं कि सत्ता की चाबी जब तक हाथ में नहीं आएगी तब तक समाज का भला नहीं होगा, तो अभी तो ये सामाजिक आंदोलन है तो सत्ता की चाबी कैसे हाथ में आएगी? देखिए, इतिहास गवाह है कि सामाजिक आंदोलन हमारे माननीय काशीराम जी ने चलाया, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और आप जानते हैं कि उन्होंने DS-4 बनाया, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में 4 बार हमारी दलित समाज की बहन हमारी मुख्यमंत्री बनी। तो ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं परिणित करते हैं, सत्ता की तरफ भी ले जाते हैं, सत्ता से बाहर भी ले जाते हैं, ये तो एक मतलब ये है कि कार्यविधि का एक हिस्सा है। तो इसमें हम ये कोई कयास नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ये चारों पाँचों एक कब हो पाएंगे? जैसे अभी 5 मुट्ठी जो होती है खुली हुई है, ये कैसे मतलब एक हो पाएगी? BSP अलग है, अम्बेडकर साहब अलग है, प्रकाश अम्बेडकर जी, जिग्नेश जी अलग हैं और चंद्रशेखर आज़ाद अलग हैं, ये कैसे एकजुट हो पाएगा? एक आने वाले समय में समाज के सभी जिम्मेदार साथियों को इसमें निर्णय लेने की जरूरत है और अपने जो भी कहीं मनमुटाव है उनको दूर करने की आवश्यकता है, अपनी ईगोज को एक तरफ हटाने की आवश्यकता है और सब लोगों को मिल करके बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने की आज आवश्यकता है, वरना समाज आने वाले समय में बहुत बड़ी
दिक्कत में फंसने वाला है और समाज की जिम्मेदारी इन लोगों के कंधों पर है, तो इनको उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अपनी ईगो और अपनी इज्जत को एक तरफ रखते हुए सबको एकजुट होकर के आने वाले दिनों में भारत में सामाजिक आंदोलन की दिशा तय करनी चाहिए। सर, ईवीएम के खिलाफ कुछ बोले थोड़ा सा। देखिए, ईवीएम के बारे में तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, समझे, बोला है उसको नहीं। ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से अगर देखिए, मैं इसमें इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उस विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईवीएम के मामले में यह जरूर मेरी राय तो यह है कि भारत का जो भी एक आम नागरिक है अपनी वोट अगर देता है तो जिसको वो वोट देता है उसी वोट मिलनी चाहिए। अगर वो वोट ट्रांसफर किसी दूसरे आदमी को की जाती है तो इससे बड़ा प्रजातंत्र का गला और क्या घोटा जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद सर।